अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 135। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक 3D चेन लिंक। प्रीवियस लेसन में हमने 3D चेन को ड्रॉ किया था, आज उस चेन को हम लिंक किस तरह दे सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इन ऑटोकैड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और जो प्रीवियस ड्राइंग मैंने बनाई हुई है उसको ओपन करता हूँ। प्रीवियस ड्राइंग में मैंने ये काम किया था, उसको ओपन किया मैंने, और अब जो काम करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि हम वो कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैं काम करूँगा कि मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ से जो मैंने इसका डिस्टेंस दिया था वो आई थिंक टू दिया था मैंने हाइट इसकी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सी पी एंटर सेलेक्ट करता हूँ स्पेस और कॉपी करके उसको मैं यहाँ पे इसमें ले आता हूँ, या इसको आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, इसको टॉप व्यू में लेके जाएं, कॉपी करें सी पी एंटर टू डी वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ इसको टू डी वायर फ्रेम में ताकि आसानी से काम भी कर सकूं। सी पी एंटर इसको सेलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसको मिड पॉइंट से उठाता हूँ और यहाँ पे इस मिड पॉइंट में इसको लगा देता हूँ। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा इस पर काम करूँगा तो रियलिस्टिक व्यू में लेके आता हूँ, इसको इस व्यू में लेके आता हूँ और इसको भी मूव करता हूँ, तकरीबन 2 के फासले भी मूव करूँगा इसको। एम एंटर टू एंटर कंट्रोल जेड इसको आप यहाँ से ना इसको इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ यहाँ से, इसको यहाँ से टॉप व्यू में लेके आता हूँ क्योंकि उससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टॉप व्यू में लाएं और उसको यहाँ से 2D वायर फ्रेम में यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करें सी एंटर, इस कॉर्नर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं, रेडियस 2.70 था आई थिंक 2.70 एंटर। ओके ओके, अब यहाँ से इसको मैं के इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ और 3D व्यू में लेके जाऊँगा इसको मैं। ये सर्कल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से उसी लेयर में ले मूव कर देता हूँ क्योंकि तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर की लेयर बनाई थी। प्रेस पुल कमांड से इसको मूव करता हूँ यहाँ से और इसको मूव करूँगा इस पॉइंट तक। हमें यहाँ से इसे रियलिस्टिक व्यू में ले देखता हूँ इसको, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करूँगा इसको दोबारा उसी लेयर में कन्वर्ट करूँगा। ओके, प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा यहाँ से और इसे टू एंटर और बॉटम से इसको टू दूंगा, बॉटम से इसको प्रेस पुल कमांड एंड टू एंटर। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब जो काम करना है वो ये है कि आप यहाँ से इसको इन दोनों को सिलेक्ट करें और इनको ग्रुप में डाल दें, ग्रुप बन गया दोनों का। ओके, अब जो काम करना है वो ये काम करूँगा कि मैं इसको, आप ये ग्रुप बन गया तो इसको मैं यहाँ से दोबारा टॉप व्यू में लेके आता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ, इसको सी पी एंटर और इसको इस पॉइंट से कॉपी करूँगा इस पॉइंट में कॉपी कर लिया, थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ। ओके,
अब इसको मैं जा 3D व्यू में जाके देखता हूँ, तो ये देखें इस तरह का ऑप्शन बना हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया, देखें ज़रा, तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट हो गया। शिफ्ट को प्रेस करके उसको थोड़ा मूव करें, तो देखें यहाँ पे इस तरह का ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो काम करना है वो ये है कि आप इसको मूव करें, यहाँ से अपने मूव करना है, इसको मूव करें ज़रा, दोनों को सिलेक्ट करें, एम एंटर, इसको भी सिलेक्ट करें, या फिर आप यहाँ से इसको ये इलास्टिक व्यू में की जगह 2D वायर फ्रेम में ले आएँ। 2D वायर फ्रेम में लाने के बाद आपने क्या करना है काम, कि आप यहाँ से इसको मूव करें, मूव के लिए एम एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इस कॉर्नर से इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे आप इसको इस कॉर्नर में जोड़ दें। ओके तो ये हमारे पास देखें कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट हो गया, और अब इसको यहाँ से आप जाके इलास्टिक व्यू में देखें तो ये टॉप पे आ गए, देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा टॉप पे, थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा चेंज हो गया ये। मैं यहाँ से इसको दोबारा में देखता हूँ ज़रा, एम एंटर, शिफ्ट प्रेस करके, हाँ अब सही है। ओके अब सही है। अब इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने में इसको नीचे भी ले आएँ, यहाँ से सी पी एंटर सेलेक्ट करें इसको, इसको भी सिलेक्ट करें, बल्कि इसको उठाएं, इसको नीचे से कॉपी सी पी एंटर, इसको सेलेक्ट करें स्पेस, और इसको उठा के आप यहाँ से आप बल्कि राइट व्यू में लाएं, फ्रंट व्यू में लेके आए, इसको फ्रंट व्यू में आ गया है। अब इसको कॉपी करें, सी पी एंटर सेलेक्ट स्पेस, और इसको यहाँ से अपने कॉपी करना है, इस कॉर्नर से उठाएं, जोड़ दें यहाँ पे, इसको मूव करें यहाँ से, कंट्रोल जेड, कॉपी सी पी एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं स्पेस, और गलत मैंने पहले उठाया था, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से इस कॉर्नर से उठाता हूँ, ओके इसको टॉप पे मैं यहाँ से लेके आता हूँ, देखता हूँ ज़रा, ओके यहाँ से आपको थोड़ा सा मसला होगा इन व्यूज़ में, तो आप इसको एडजस्ट आपने करना है। चेक करूँ उसको, उसको ओके यहाँ पे आप देखें, अब हमारे पास एडजस्ट हो गया, इसको दोबारा मैं टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में लेके आता हूँ, देखता हूँ ज़रा, टॉप व्यू में लाता हूँ, इसको ख़राब हो गया, इसको इसको दोबारा से यहाँ से आप मूव करें, बल्कि इसको आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, कॉपी करें, करने के बाद इसको कॉपी करें, और कॉपी कितने यहाँ पे ऊपर करना है, यहाँ से यहाँ तक हमने जो फासला इसको दिया था, इसको मैंने दिया था 4, आई थिंक 4 दिया था, तो आप इसको मूव कर दें यहाँ से, बॉटम पोजीशन से मूव कर दें। तो मूव करने का क्या तरीका है वो आपको बताता हूँ, इसके लिए आप यहाँ से 2D वायर फ्रेम में आएँ और इसको मूव करें, सी पी एंटर 4, अब मैं देखता हूँ ज़रा इलास्टिक में, सही है 4 आ गया। इसको आप मूव करें यहाँ पे 2 के एरिया पे अपने मूव करना है, तो मूव करें आप इसको, इन्वेंटर 2 एंटर, ओके अब देखें सही मूव हो गया।
सही है। अब जो काम करना है वो ये कि इसको तो मैं मूव करता हूँ यहाँ पे आके। अब जो काम करना है वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और कॉपी करते जाएं। कॉपी करने के लिए यहाँ पे जाएं, टॉप व्यू में जाएं और अब इसको कॉपी करें। सी पी एंटर, सिलेक्ट स्पेस और इसको इस पॉइंट से उठाता हूँ मैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट में लगा देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और इस पॉइंट में इसको लगा देता हूँ। अभी थोड़ा सा टॉप में इसका चेंज होगा तो उसका दोबारा व्यू आप मूव करना है अपने नीचे। मूव करने के लिए देखें, ये देखें आप यहाँ पे आ गया, तो सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करें इसको नीचे। ओके, इसको सिलेक्ट करें, मूव करें इसको भी। ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको भी कॉपी करना है टॉप व्यू में, कॉपी करें इसको भी, सी पी एंटर, इसको मिड पॉइंट से उठाएं और यहाँ मिड पॉइंट में, फिर यहाँ मिड पॉइंट में, ना देखें ज़रा, सही है। अब जो काम करना है वो ये है कि आप इसको कॉपी करें, इसको इसको यहाँ से कॉपी करें, सी पी एंटर, बिल्कुल सच यहाँ पे एडजस्ट कर लें। F8 प्रेस करें स्ट्रेट के लिए। ओके, सही हो गया। अब इसको कॉपी करें, सी पी एंटर, F8 स्ट्रेट लाइन के लिए। थोड़ा सा इसमें फर्क है तो इसको मूव करें यहाँ से। डिलीट कर देता हूँ। सी पी एंटर, यहाँ से फ्रंट व्यू में इसको ले आता हूँ। सी पी एंटर, क्या आप देखते हैं यहाँ से? ओके, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है, 3D चेन। ये देखें आप, चेन इसकी ड्रॉ हो गया। अब यही चेन जो है तो आप बिल्कुल राउंड शेप में अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप में डालता हूँ, ग्रुप। अब उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे एक मसला हो जाता है कि ये जो चेन बनी हुई है, चेन तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके लिए आप यहाँ से जो 3D इन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर है ऑटो डेस्क का, तो उसके थ्रू आप इसको कंप्लीट एक चेन बना सकते हैं। चेन बनाने के लिए आप यहाँ से जाके टॉप व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे, और बल्कि यहाँ से आपने टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ से आर्क वगैरह आपने ड्रॉ करनी है और उसके थ्रू आप यहाँ से काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आपने अगर काम करना है तो। यहाँ पे आप दोबारा आप इसमें देखें, अगर बड़ी चेन आपने बनानी तो आप बड़ी चेन भी यहाँ से बना सकते हैं और इसको आर्क भी दे सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एक बार सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से दोबारा इसको ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में डाल दिया। अब ये पूरी की पूरी एक ग्रुप में आ गया और अब इसको कॉपी करें। कॉपी करने के लिए आप यहाँ से जाएँ और उसको टॉप व्यू में लेके आएँ और उसको कॉपी करें, सी पी एंटर, सिलेक्ट करें स्पेस और इसको इस कॉर्नर से उठाएँ, यहाँ पे मिड पॉइंट से उठाएं,
ये लास्ट से 2D वायरफ्रेम में आता हूँ मैं, सी पी एंटर सेलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इसको यहाँ पे मिड पॉइंट से उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में इसको लगा देता हूँ। ओके यहाँ पे लग गया। अब इसको आप यहाँ से आप 3D व्यू में लेके जाएं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा, ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ से आप जाएं और ये इलास्टिक व्यू में लेके जाएं, और यहाँ से आप इसको दोबारा मूव कर दें नीचे, एम एंटर। देखें मूव हो गया, तो एक कंप्लीट एक चेन बन गया। आप देखें यहाँ पे तो एक बड़ी चेन बन गई यहाँ पे, और इसको मैं ऑफसेट लेता हूँ, मूव इसको सिलेक्ट करें, फिर इसको ग्रुप में डाल दें, ग्रुप। और अब इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, कि अब यहाँ से आप इस आर्क की मदद से इसको आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो यह था जी इजी एक मेथड है जो कि आप जिसके थ्रू आप आसान से एक चेन ड्रॉ कर सकते हैं, और ज़बरदस्त सी चेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, एंड चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।